Hey guys, welcome back to my channel. This is Priyanka. Friends, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी बच्चों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी के बारे में, आयरन की कमी के बारे में. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ आयरन डेफिशिएंसी से जुड़े कुछ जरूरी सवाल और उनके जवाब. आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर आयरन डेफिशिएंसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे, जिसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, आयरन डेफिशिएंसी जो हमारे ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का पदार्थ होता है, उसको बनाने के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है. और हीमोग्लोबिन से ही हमारे आरबीसी बनते हैं. आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल. और रेड ब्लड सेल होते हैं, उसी से ही खून बनता है जो सारी बॉडी के अंदर जाता है और सारी बॉडी को ऑक्सीजन देता है. इसीलिए जो उसका सबसे बेसिक एलिमेंट है वो होता है आयरन, जिससे हीमोग्लोबिन बनता है. तो इसीलिए आयरन हमारे बच्चों के अंदर, हमारे अंदर आयरन होना बहुत जरूरी है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर खून का प्रवाह रेगुलर रूप से चलता रहता है, राइट? तो अब बात करते हैं कि बच्चों को आयरन मिलता कहाँ से है. जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनको माँ के दूध से आयरन की कमी की पूर्ति होती है, उनको सारा आयरन माँ से मिलता है. लेकिन जो बच्चे माँ का दूध नहीं पीते या बॉटल से दूध पीते हैं, उनको फोर्टिफाइड फॉर्मूला मिल्क जो मिलते हैं, उनके अंदर आयरन होता है, उससे उनकी आयरन की कमी पूरी होती है. जब बच्चे इन्फेंट से बड़े हो जाते हैं तो उनको मदर फीड मिलनी बंद हो जाती है, उनको बाहर का खाना दिया जाता है, जिससे उनको आयरन का भरपूर मात्रा में मिलता है. लेकिन कई बार ऐसे कई सिम्टम देखे गए हैं कि बाहर के खाने से बच्चे के अंदर प्रॉपर रूप से आयरन नहीं जा पाता है, जिसकी पूर्ति हमें अलग अलग तरीकों के सप्लीमेंट से करनी पड़ती है. तो शुरू करते हैं कुछ सवालों के साथ जो आप सबके मन में होंगे, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला सवाल, आयरन की कमी से मेरे बच्चे के अंदर क्या परेशानी आ सकती है, क्या दिक्कत आ सकती है? जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि आयरन हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, उसके अंदर कुछ सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी में कमी आना, मसल्स वीक होना, भूख ना लगना या सोशल बिहेवियर में कमी आना, बच्चे को और लोगों से मिलने में परेशानी आना, उसकी लर्निंग स्किल्स में कमी आना, उसकी मोटर बिहेवियर्स में कमी आना. ये कुछ मेन जरूरी लक्षण हैं जो आयरन की कमी से हमारे बच्चों के अंदर आ सकते हैं और जिनको टाइम पे जरूर रेगुलेट करना चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन, मुझे कैसे पता चलेगा मेरे बच्चे के अंदर आयरन की कमी है? देखिए, आयरन की कमी का सबसे पहला लक्षण होता है खून की कमी होना, यानी कि अनीमिया. जैसा कि मैंने बताया कि आयरन बेसिक एलिमेंट है हमारे ब्लड का, तो आयरन की कमी से सबसे पहले तो है आयरन डेफिशिएंसी का पता चलता है, राइट? तो डॉक्टर क्या करते हैं कि बच्चे की डाइट की हिस्ट्री देखकर या फैमिली हिस्ट्री देखकर बच्चे के अंदर आयरन डेफिशिएंसी का पता बताते हैं. अगर फिर भी पता नहीं चले तो कुछ पर्टिकुलर टेस्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी का पता लग सकता है, राइट? नंबर थ्री, ऐसे क्या लक्षण है जिससे मैं अपने बच्चे के अंदर आयरन डेफिशिएंसी के बारे में जान सकती हूँ? आयरन डेफिशिएंसी के कुछ पर्टिकुलर लक्षण, जैसे कि भूख ना लगना, वीकनेस होना, थकान होना, मिट्टी खाना, पसीना बहुत आना या सोशल बिहेवियर में कमी आना, ऐसे कुछ पर्टिकुलर लक्षण हैं जो हमारे बच्चे के अंदर आयरन की कमी में देखे जा सकते हैं. अगर आपका बच्चा इनमें से किसी सिम्टम से गो थ्रू कर रहा है या इन किसी भी सिम्टम्स को सफर कर रहा है, तो हो सकता है कि उसके अंदर आयरन की कमी हो, जिसके लिए आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं. क्या मुझे अपने बच्चे को कोई आयरन सप्लीमेंट भी देना चाहिए? जी बिल्कुल, आपको देना चाहिए. अगर ऊपर से कोई भी सिम्टम आपको दिखे और रेगुलर खाने से, रेगुलर डाइट से बच्चे की आयरन की कमी पूरी नहीं हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर को जरूर अपने बच्चे को दिखाएं और आयरन सप्लीमेंट दें. देखिए, आयरन सप्लीमेंट ड्रॉप्स की फॉर्म में, सिरप्स की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में, गमेज या जो जेलीज आती है उनकी फॉर्म में, इन सब चीजों के रूप में आयरन के सोर्सेज दिए जा सकते हैं, आयरन के सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं. डॉक्टर से कंसल्ट करें और राइट अमाउंट ऑफ आयरन सप्लीमेंट अपने बच्चे को जरूर. एक बात जरूर याद रखें कि इसके अंदर डॉक्टर की कंसल्टेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आयरन के सोर्स रिकमेंडेड डोज से ज्यादा लेने पर टॉक्सिक साबित हो सकते हैं. इसीलिए अपने आप ट्राई ना करें, डॉक्टर से जरूर रिकमेंड. सप्लीमेंट्स के अलावा आयरन के अच्छे सोर्स कौन से हो सकते हैं? नॉन वेजिटेरियन लोग जो है वो अच्छे तरीके से आयरन का अमाउंट जो है ग्रहण कर सकते हैं. उनके लिए रेड मीट, फिश या चिकन से उनको अच्छा आयरन मिल सकता है.
वेजिटेरियन लोगों के लिए हरी सब्जियां, पालक सबसे ज्यादा जो है आयरन में भरपूर होता है, बीन्स, ब्रोकली या फिर ओट्स, इनके अंदर आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, आप बच्चे को ये डेली खिला सकते हैं। सुना है आयरन सप्लीमेंट लेने से बच्चों के दांत पीले हो जाते हैं, क्या ये सही है, तो इसको कैसे ठीक किया जाए? जी हाँ, आयरन सप्लीमेंट लेने से, कुछ ड्रॉप्स या सिरप लेने से बच्चों के दांतों में स्टेनिंग हो सकती है, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को हर बार डोज देने के बाद एक बार ब्रश करवा सकते हैं, जिससे उसकी स्टेनिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। आयरन सप्लीमेंट को देने का सही समय क्या है? आयरन सप्लीमेंट सबसे अच्छे खाली पेट में एब्जॉर्ब होते हैं, या खाना खिलाने से पहले आप अपने बच्चे को आयरन सप्लीमेंट दे सकते हैं। अगर किसी कंडीशन में बच्चे का पेट खराब हो, अपसेट हो, तो उस कंडीशन में बच्चे को खाने के बाद आयरन के सप्लीमेंट आप लोग दे सकते हैं। क्या आयरन सप्लीमेंट के कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? जी हाँ, यूजली देखा गया है कि आयरन सप्लीमेंट लेने के बाद छोटे मोटे साइड इफेक्ट जैसे कि अपसेट स्टमक, कॉन्स्टिपेशन या फिर उनके स्टूल में कुछ चेंजेस देखे गए हैं, जो भी माइनर होते हैं और जो ठीक टाइम पे ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर रिकमेंडेड डोज से ज्यादा आयरन के सप्लीमेंट लिए जाए तो वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक साबित हो सकते हैं, आपके बच्चे के अंदर प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये बात बार बार कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर को एक बार दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही ये डोज लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने आपके मन में आयरन डेफिशिएंसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो या अगर फिर भी कोई आपके मन में क्वेरी रह जाए तो मुझे कमेंट जरूर ड्रॉप करें, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरी। सो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका साइनिंग ऑफ राइट नाउ। यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू बैक इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।